मित्रों नमस्कार, मेरा नाम मनोहर मनोज है और मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। 27 सालों से पत्रकारिता में रहते हुए मैं अभी फिलहाल इकोनॉमी इंडिया का संपादक हूँ तथा भारतीय युवा पत्रकार संगठन का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। ए क्रुसेड अगेंस्ट करप्शन और ए डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज पुस्तकों का मैं लेखक हूँ। मित्रों, अभी कोरोना के खिलाफ हो रहे संघर्ष को लेकर के एक सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि इस युद्ध में जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका बीमा कवरेज होगा, उन्हें 50 लाख रुपए तक उनके किसी भी कैजुअल्टी के स्थिति में बतौर जो है इंश्योरेंस जोखिम के रूप में दिया जाएगा। बड़ी हैरानी हुई कि इस मुहिम में मेडिकल स्टाफ के साथ, पुलिस स्टाफ के साथ, सरकारी अमले के साथ मीडिया भी कर्म से कर्म ताल लगा करके देश में लगातार और निरंतर जो कोरोना के नाम पर और कोरोना के संघर्ष को लेकर के जो परेशानी हो रही है लोगों की या अलग अलग तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसका लगातार कवरेज कर रहा है। मित्रों, पत्रकारों को और मीडिया कर्मियों को इस बीमा कवरेज में क्यों नहीं शामिल किया गया, उसकी मुख्य वजह जानिए। मुख्य वजह यह है कि मीडिया संवैधानिक रूप से और वैधानिक रूप से चौथा खंभा नहीं है। मित्रों, यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ कॉरपोरेट समूहों द्वारा स्थापित किए गए मीडिया घरानों में काम करने वाले लोगों की एक वैसी दास्तान है जो हर तरह की असुरक्षा में जीते हैं। कभी आजीविका की असुरक्षा, कभी नौकरी की असुरक्षा, कभी जान की असुरक्षा, कभी जो है बुढ़ापे की असुरक्षा। यही वजह है कि उनकी नौकरी अनिश्चित है, अस्थिर है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से न उन्हें कोई स्वास्थ्य बीमा दिया जाता, न कोई जीवन बीमा दिया जाता, न उनके लिए कोई पेंशन का प्रावधान है, न ही किसी भी तरीके के कल्याण का प्रावधान है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा पत्रकारों का जो है एक्रेडिशन किया जाता है, लेकिन हमारे देश में इन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के अलावा ऐसे लाखों पत्रकार हैं जिन्हें कोई कथित मान्यता नहीं मिली हुई है, जो देश के कस्बों से लेकर के और देश की राजधानी तक अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रतिरूपों में मीडिया कर्म में संलग्न है। इसमें कार्यरत पत्रकार भी हैं और स्वतंत्र रूप से कार्यरत पत्रकार भी हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हों या लेखक हों या अलग अलग तरीके के रिपोर्टाज लिखने बोलने वाले हों। दोस्तों, यह वक्त आ गया है कि देश में पत्रकारों के लिए या मीडिया के लिए चौथे खंभे का संवैधानिक और वैधानिक मांग बुलंद किया जाए, और दूसरा कि पूरे देश में जितने मीडिया कर्मी हैं उसको लेकर के एक सुझाव आया था कि लॉयर्स की ही तरह जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन करती है, उसी तरीके से मीडिया में काम करने वाले वो असंख्य लोग जो कस्बों से लेकर देश की राजधानी तक फैले हुए हैं उनका एक प्रोफेशनल पंजीकरण किया जाए। जब पंजीकरण होगा तो उस पंजीकरण के आधार पर उन पत्रकारों के लिए उनकी तमाम असुविधाओं को लेकर के, उनकी तमाम ज़रूरतों को लेकर के और उनकी तमाम मांगों को लेकर के राज्य सरकारों पर और भारत सरकार पर एक पूरा दबाव डाला जा सकेगा। RJS पॉजिटिव जो एक सकारात्मक मुहिम है, क्यों ना हम मीडिया के उन तमाम सकारात्मक मुद्दों को लेकर के उस मुहिम को फिर से बल दें और इन जो चार पांच जो मुख्य चीज़ें हैं, चाहे वो जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, पेंशन हो, दुर्घटना बीमा हो और उनके लिए जो मासिक भत्ते का प्रावधान हो, और कुल मिला जुला करके देश में एक मीडिया के लिए चौथे खंभे का संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, मीडिया आयोग लाया जाए, एक मीडिया नीति लाया जाए, इन सब मांगों को लेकर के मैं पिछले 25 सालों से लगातार आवाज़ उठाता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। मैंने किताब में भी इसका जिक्र किया है, अलग अलग संगोष्ठियों और सेमिनारों में भी इसको लेकर के मैंने विचार व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में यह मैसेज जाना चाहिए और इस पर एक पूरे गंभीरता से विचार हो और सारे देश के मीडिया कर्मी इस बात को बहुत अच्छे से और गंभीरता से इस बात पर मनन कर लें कि केवल अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता वाली कहावत पर बात न करें। पूरे मीडिया को एकजुट करें, राजनीतिक खेमों में न बटें। राजनीतिक खेमे में बटकर उन्हें केवल एक भावनात्मक संतुष्टि मिल सकती है, उनके पैसे और उनके पेशेवर लोगों के लिए कोई संतुष्टि नहीं मिल सकती है। बस मैं इसी बात का अनुरोध कर आप सबसे करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।